में ना डायग्नोस्टिक के अंदर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, एक को ये सरफेस से दिखाई नहीं देता, ये कास्टिंग के अंदर में होता है। तो इसको खाली कुछ चेक पॉइंट है, जैसे हमारे यहाँ पे जो यू होता है कि हमारे यहाँ तो पार्ट जाता है एमडीसी 2 में या 1 में, वहां से चेक होता है कि जी वो मोड आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे काट के देख लिया जिसके अंदर में श्रिंकेज है वो आगे आएगा, ये नहीं है, वो बड़ा होल होता है। गैस पोरोसिटी के आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि गैस पोरोसिटी जब आप मशीनिंग करोगे ना अंदर में, तो बहुत ही राउंड शेप के स्पेयर शेप के होल दिखाई देंगे, स्पेयर शेप के, बिल्कुल गैस पोरोसिटी के अंदर स्पेयर शेप के। इसके अंदर में भी दो तरीके के होल दिखाई देंगे, एक तो ब्लैकिश और एक शाइनिंग। शाइनिंग वाले में क्या होता है, शाइनिंग वाले में ज्यादातर हाइड्रोजन गैस होने के चांस होते हैं, और ब्लैकिश में क्या होता है, जो हमारा एसएस ग्लू होता है ना, या स्प्रे का हो या फिर हमारा जो कंजल हो शरीर में डाल देते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ी गलत हैबिट है। कंजल रूप को हम लोग जो शरीर में डाल देते हैं, ये बहुत गलत हैबिट है, उसके अंदर में वो ब्लैकिश नजर आएगा, आएगा स्पेयर ही, अगर वो गैस पॉजिटिव होगी तो आएगा उसके सरफेस जो है स्पेयर ही, बट वो ब्लैकिश नजर आएगी काटने के बाद। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब इसकी रेमेडीज इसने दे रखी है, करेक्शन इसके अंदर में देखो, ये जब बोल रहा है डाई लुब्रिकेंट और ये सब उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ट्रैप नहीं होना चाहिए। ट्रैप्ड होने का एक ये भी होता है कि स्प्रे मार के चला गया, अब उसके अंदर में अभी आजकल तो सर्दियां हैं तो जल्दी खत्म होती है, इतनी फ्यूम्स बनती भी नहीं, और गर्मियों के अंदर में क्या होता है कि फ्यूम्स एक तो एटमोसफेयर ही हीटेड होता है, उसके अंदर में फ्यूम्स जो है बहुत ज्यादा बनती है, काफी देर तक धुआं ही धुआं रहता है। जब टाइट क्लोज होती है वो सारी गैस को लेके क्लोज होती है अंदर, तो वो इंटरेक्ट होने के चांस उसके अंदर में ज्यादा होते हैं। ये डिले आफ्टर पोर, डिले आफ्टर पोर, अब देखो यहाँ पे ये डिले आफ्टर पोर जो बताया है, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लेटरल के अंदर में इंजेक्शन डिले जो है वो मेटल को ठंडा करने के लिए होता है, मेटल को ठंडा करने के लिए नहीं होता है, वो बता रहा है, वो ये कह रहा है कि ये डिले आफ्टर पोर जो क्या होता है, डिले आफ्टर पोर ये इसको बोल रहा है, जो लेटर यहाँ पे मेटल डाल रहा है ना, जब मेटल डालते हैं तो उसका फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट होता है, ऊपर से डाल रहे हो आप बिल्कुल यहाँ से, तो मेटल का जब इसके अंदर स्टेबल होने के लिए टाइम लेगा ना वो, तो वो डिले उसको देना है स्टेबल करने के लिए उसको मेटल को, क्योंकि इसके अंदर फ्लो जब आप डालोगे तो मेटल टर्बुलेंट होगा, उसको स्टेबल करने के लिए डिले टाइम जो होता है, मेटल को ठंडा करने के लिए टाइम नहीं होता है इंजेक्शन डिले, ठीक है। एक्सेलरेशन टू स्लो शॉट स्पीड करेक्ट, जब ये प्लंजर यहाँ से चालू होता है फर्स्ट फेज में, तो एक्सेलरेशन कई मशीनों का, जब मशीनें वाल्व जो है पुराने हो जाते हैं या फिर क्या कहते हैं जाम हो जाते हैं, तो प्लंजर पता कैसे स्टार्ट होता है, झटके से, जैसे आप बाइक का फर्स्ट गियर मारो और एकदम से क्लच छोड़ दो, प्लंजर वैसे स्टार्ट होता है, उस समय क्या होगा कि मेटल को फिर टर्बुलेंस मिल जाएगा, आपने स्टेबल कर दिया डाल के और प्लंजर फिर एकदम झटके से स्टार्ट हुआ तो फिर टर्बुलेंस होगा उसके अंदर, तो वो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा क्या है, यूज क्रिटिकल स्लो शॉर्ट स्पीड, ये ऐसा पॉइंट है जो कैलकुलेटेड है थोड़ा सा, कैलकुलेटेड मीन कि जब फर्स्ट फेज चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसको क्रिटिकल स्लो शॉर्ट स्पीड बोलते हैं, ये कैलकुलेट होती है, कैलकुलेशन का इसका फॉर्मूला होता है, फिलिंग रेशियो, ये 0.7 जो है ये कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, जो प्लंजर और स्लीप के बीच में होगा वो कांस्टेंट है, और ये डी जो है हमारा प्लंजर का डाय है, और ये फिलिंग रेशियो है। फिलिंग रेशियो क्या होता है कि ये शॉर्ट स्लीव एक चैम्बर है हमारा, ये शॉर्ट स्लीव चैम्बर है, और जितना मेटल हमने डाला है वो वॉल्यूम, एक तो मेटल का वॉल्यूम, ऊपर से ये शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम, इसका जो रेशियो होता है वो हमारा फिलिंग रेशियो होता है। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जैसे जैसे आपकी ये फिलिंग रेशियो कम होगा, यानी कि इस स्लीव के अंदर मेटल जैसे जैसे कम होगा, ये स्लो स्पीड जो है बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा मेटल इसके अंदर में, मीन्स शॉर्ट स्लीव आपका छोटा है, कास्टिंग आपको बड़ी बनानी है, मेटल उसके अंदर ज्यादा डालना है, तो
तो स्लो स्पीड उसके अंदर स्लो होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक। ठीक है, अब ये और क्या बता रहा है, नो शार्प कॉर्नर्स। एक मैंने स्टडी करी थी अभी, कवर है लावा, फिलिंग रेशियो, ये शॉर्ट स्लीव है, ये इसके अंदर हमने मेटल डाला, तो इस मेटल का वॉल्यूम, मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कि शॉर्ट वेट लो उसको डिवाइडेड बाय 2.6 करो, 2.6 क्या होती है एल्युमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा निकल के। स्लीव का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ लेते हो ना, लाइक क्लोज करके प्लंजर आगे करके पैनल पे देखते हो कितनी आ गई, वो डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ होती है पाई आर स्क्वायर एल, आर क्या है इसका डाया बाई 2, एल क्या है आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पाई क्या है 3.414। ठीक है, तो ये वहां से इसका फिलिंग रेशियो निकल आएगा, तो वो फिलिंग रेशियो आप यहाँ पुट करोगे और ये सारी चीजें पुट करोगे, क्रिटिकल फ्लो स्पीड दे देगा आपको। और मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि ये कोल्ड चैम्बर में इस स्लीव के अंदर में मेटल जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ये स्पीड बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी, हमें बढ़ा के रखनी पड़ेगी अगर हमें ये एक्सलेशन और ये सब नहीं रखना है उसके अंदर, टर्बुलेंस कम करना है। ठीक है, अगला बता रहा है ये शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए, शार्प कॉर्नर्स, ये कास्टिंग को मैं अगर ऐसे फिल करता ना यूं करके, ये कॉर्नर आ गया ना शार्प, तो यहाँ से मेटल पहले यूं जाएगा फिर यूं जाएगा, मीन्स यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो गया फिर दोबारा से, आप पानी फेंको यहाँ पे इधर में, मैं यूं मारूंगा तो मेटल छलक के इधर या उधर जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, या मतलब उस पास से नहीं जाएगा, वन फ्लो से जाएगा, मतलब अनडिजायर्ड फ्लो से जाएगा, उसको पता नहीं होगा किधर जाना है, और जिसको नहीं पता होता वो फिर इधर उधर ही फील होता है, उसमें फिर वो गैस पोरोसिटी आने के चांस ज्यादा है। कवर अलावा के अंदर में हमने ये स्टडी करी थी, इसके अंदर हमने ये टेढ़े मेढ़े थे तो हमने वो शार्प जो एज थे वो बराबर कराए थे। ठीक है ना, नो ब्लाइंड एंड पॉकेट्स, नो ब्लाइंड एंड पॉकेट्स मींस ये मतलब जाते ही आगे टी पॉइंट आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवर डिक्रीजिंग एरिया प्रॉपरली यूज इन वही डिक्रीजिंग एरिया में, आप अगर इसको यहाँ पे डिक्रीजिंग एरिया में नहीं बनाएंगे, मींस रनर की विड्थ और थिकनेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं ले जाएंगे यहाँ से कास्टिंग की तरफ, तो इट मीन्स वो हीट का फ्लो जो है वो बिगाड़ेगा, वो यही बता रहा है, और बहुत सारी चीजें बता रहा है, वही एयर वेंट वगैरह इसके अंदर क्लीन करते हैं, देखो ये ब्लैकिश आए ना देखो ये, और उसके सामने पड़ो देखो वही बता रहा हूँ, और ये ब्लैकिश नजर आ रहे ना, और देखो स्पेयर भी नजर आ रहा है ऊपर वाला, तुम देखोगे स्पेयर के सामने नजर आ रहे हैं, इनकी जो अंदर के सरफेस है स्पेयर ही नजर आएगी, वो गैस पोरोसिटी की आइडेंटिफिकेशन है, गैस पोरोसिटी। ठीक है, ऊपर करो ये, और एक नीचे दिया हुआ वैक्यूम मार्किंग, ये हमारे यहाँ यूज नहीं होता बट कई जगह यूज होता है, वैक्यूम के अंदर में डाई के ऊपर में एक वैक्यूम होल लगा देते हैं जो शॉर्ट लगने तक उसके अंदर जितनी भी गैस एयर होता है उसको सक करते हैं, हमारे यहाँ यूज नहीं होता पर और जगह यूज होता है। ठीक है, तो वो चेक फॉर गैस लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट जो मैंने बताया तुम्हारे को प्लंजर लूप और वो डाई लूप। ठीक है, चेक फॉर स्टीम, चेक फॉर स्टीम वही जो मैंने बताया कि फ्यूम बन जाती है डाई लूप होते समय अंदर रह जाती है, उसमें क्या करना है हमारे को, या तो हम लोग उसका जो हमारा प्रेशर है स्प्रे का, जो हमारा वॉल्यूम है वो कम करें, या फिर डाई की क्लोज की कंडीशन हम ऐसी रखें कि वो फ्यूम खत्म होने के बाद में वो क्लोज। ठीक है, और बेटर यही रहता है अपनी प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग ये मेंटेन अपना वही स्प्रे से ही करें, कम करके प्रेशर कम करके, या फिर एयर का टाइम ज्यादा बढ़ा के स्प्रे के बाद में। ठीक है ना, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर भी इसी का एक पार्ट है, जो हमारे यहाँ देखा होगा जो हम लोग कहते हैं ना इसके अंदर में ये पटाखा बोल दिया, पटाखा मीन्स डाई ओपन हुई और प्लास्टिक कहीं से फट गई या फोड़ा सा निकल आया कहीं से, ग्रिप आहा वाला नहीं, केटीपी वाला, ग्रिप आहा वाला नहीं, केटीपी में देखा होगा, के स्पेशल में देखा होगा, मतलब मोटी कास्टिंग में आपने देखा होगा वो ब्लिस्टर, फिर से एक थोड़ा सा निकलता है, वो गैस का होता है, होता क्या है, और ये ब्लिस्टर आप होता है अंदर में क्या है इसके, हाइड्रोजन जो गैस है
जब तक आप प्रेशर में है यानी कि ढाई क्लोज है तब तक नहीं फटेगी, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब एटमोसफेयर में नहीं आएगा जब तक वो फटेगा नहीं। तो जैसे ही वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ढाई ओपन के होने के बाद वो फट जाता है। एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे हमारा बिस्किट जो फटता है, गुल्ला फट गया, गुल्ला फटता कैसे, गुल्ला बिस्किट जिसे जो हम बोलते हैं फटता कैसे, वो ऐसे फटता है कि शॉर्ट लगा और इधर की हीट जो है और एरिया से बहुत ज्यादा है, ठंडा नहीं हो रहा है इधर का एरिया, कूलिंग चलाते हैं हम लोग पर ठंडा नहीं हो रहा, कम है कूलिंग, तो ये अनसॉलिडिफाई रह जाता है उस टाइम में, ये सारा सॉलिडिफाई हो गया बट ये एरिया जो है वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ, जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आया इसमें पड़ा गया वो, क्योंकि ये सॉलिडिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ब्लिस्टर और गैस पोरोसिटी आप ये चीज सॉलिडिफाई नहीं कर रहे हो, आपका इमेज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इसको पकड़ेगा, प्लास्टिक पकड़ेगी, प्लंजर खराब करेगा, जैसे मैंने बताया ना कि जितना अगर ये ज्यादा ओवरहीट रहेगा तो उतना ही ज्यादा आपके प्लंजर को ओवरहीट करेगा, उसको डैमेज करेगा, ठंडा और बहुत जरूरी प्लास्टिक जाम करेगा, ब्रेकडाउन में ओवरहीट करेगा इसके अंदर में, ऊपर से इसके अंदर में आपकी जो गैस जारी है वो भी इंक्रीज करेगा, अंदर गैस पोरोसिटी के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे उसके अंदर, ये ठंडा होना बहुत जरूरी है। ब्लिस्टर और गैस पोरोसिटी के अंदर में क्या है कि हमारा एक प्रोसेस यहाँ पे मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है, डीगैसिंग का, मेटल क्लीनिंग का, मेटल ट्रीटमेंट का, जो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा है। तो उसके अंदर में क्या होता है, हम ये अज्यूम करते हैं कि सीएमआर के थ्रू वो होके आता है, सीएमआर जो हमारा मेटल सप्लायर है उसके थ्रू होके आता है, उसमें क्या होता है प्रोसेस के अंदर में डीगैसिंग बोलते हैं उसके अंदर में, बहुत ही बड़ा एरिया है वो भी अगर उसको देखो, उसमें क्या होता है कि मेटल जब आपका मेल्ट हो रहा है बड़ी फर्नेस के अंदर में तो एक ऐसे रेशियो में होना चाहिए 40 और 60, मीन्स 40% आपकी ये रनर वगैरह स्क्रैप वगैरह जो ये है, 60% जो है आपका प्योर मीट्स जो अलॉय है हमारे वो होना चाहिए उसके अंदर। जब आप वो मेल्ट कर रहे हो उसके अंदर में तो आप जब मेल्ट हो गए तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होती है, तो उसमें डस्ट ड्रॉप जो होती है वो सारे निकालते हैं, वो निकालने के बाद में फिर ये लेडल में लेते हैं, ये लेडल आता है ना हमारे यहाँ बड़ा वाला, वो उसमें लेते हैं, उसमें लेने के बाद में एक डिगैसिंग प्रोसेस होता है। डिगैसिंग में क्या होता है कि ये लेडल होता है इसके अंदर में एक बराबर में मोबाइल डिगैसिंग मशीन होती है, इसके अंदर से एक रोटर जाता है, मैंने अपने पेज में डाला भी था एक बार ये डिगैसिंग का ना, तो ये रोटर इसके अंदर में जाएगा, ये घूमेगा, इसी के साथ में बराबर में एक और पाइप होता है जो इसके अंदर फ्लक्स डालता है, फ्लक्स क्या काम करता है कि इसके अंदर में जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है और उसके साथ में मिलके फ्लक्स बना लेता है, वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है। अच्छा, वो सरफेस पे आ गया, अब गैस की बारी है, जो इसके अंदर गैस है मेटल के अंदर में वो क्या करेगी कि ये रोटर उसको घुमाएगा, रोटर घुमाएगा, इसके अंदर से नाइट्रोजन गैस निकलेगी, इसकी पूरी रिएक्शन है कि आपका N2 गया प्लस Al2O से मिला और इसने आगे की मेरे को याद नहीं किया है, और ये फ्लक्स इसके अंदर से ये जो हाइड्रोजन जो होती है इसके अंदर वो सारी जो है वो निकाल देता है। कैसे निकालता है वो कि एक ऐसा ब्लेंडर बनाता है अंदर में, बॉर ऐसा बनाता है कि इसको नीचे से ऊपर के लिए रास्ता मिलता है निकलने के लिए, मतलब बॉर की कंडीशन है कि इस शेप में होना चाहिए, अगर इस शेप में नहीं होगा तो गैस को रास्ता नहीं मिलेगा ऊपर जाने के लिए नीचे से, N2 जो है उससे रिएक्शन करके इसको बाहर निकालती है, बाहर की गैस कम हो गई उसके अंदर से, अब इसको बंद कर देते हैं, बंद करना बहुत जरूरी है, इसको एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए ब्रीडिंग गैस होने के बाद, हमारा यहाँ खुला छोड़ देते हैं, खुला करते हैं ना वहाँ पे, वो खुला छोड़ देते हैं, खुला नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन होती है इसकी कि
मेटल होल्डिंग फर्नेस में डाल दिया हमने, उसके 1-2 घंटे तक हमने अगर यूज नहीं किया किसी ब्रेकडाउन की वजह से, फिर दोबारा डीकेसिंग की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, फिर दोबारा फिर मेटल क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया, फिर से गैस है सब उसके अंदर मिले, वो पहले जैसे हो, ये मिसिंग है हमारे, ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, ब्लिस्टर की फोटो दिखाओ, ब्लिस्टर की फोटो है ये पूरा पूरा पार्ट पड़ गया देखिए, और ये नीचे में भूल रही है मोटा सा दिखाई दे रहा है, साइड में थोड़ा सा ये और ऊपर करो फोटो देखनी हो फ्लो पोरोसिटी पर और ये फोटो से देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो पोरोसिटी, फ्लो पोरोसिटी, फ्लो पोरोसिटी हमारे यहाँ बहुत आती है। देखो फोटो देखो अपने आप पहचानो, ऊपर करो ये गेट पे ये जो दिखाई दे रही है ना ब्लो होल, सही गेट पे ब्लो होल है, फ्लो पोरोसिटी जो है, फ्लो पोरोसिटी आने के रीजन क्या होते हैं इसके अंदर, ये आ रही है समझ में फ्लो पोरोसिटी, इसी ने देखा ये डिफेक्ट यहाँ पे अपने केटीआर के अंदर में जो आता है, केटीआर में जो आता है गेट पे जो ब्लो होल आता है गेट में ब्लो होल, क्योंकि देखो हर डिफेक्ट को एक जैसा ग्रिप फैशन में आता है, हर डिफेक्ट को आप कॉमनाइज नहीं कर सकते, मीन्स ब्लो होल हर किसी के अंदर में, चाहे वो गेट पे आ रहा है या कहाँ पे आ रहा है, या फिर जैसे मैंने बताया गैस का ब्लो होल, श्रिंकेज का भी आगे आएगा वो अलग ब्लो होल है, वो भी ब्लो होल ही बोलते हैं हम लोग, ये ब्लो होल है गेट ब्लो, इसको भी हम ब्लो होल बोलते हैं, ये नाम से प्रोनाउंस करते ना भाई ब्लो होल, बट इनको करैक्टराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, इनको जब तक समझ में नहीं आएगा इसका हम लोग रेमेडीज तो बहुत दूर की बात है, हम लोग जब समझ ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम क्या है तो करेक्शन तो बहुत दूर की बात होगी ना। तो ये फ्लो पोरोसिटी जो अलग है पार्ट ऑफ ब्लो होल है। अब इसके करेक्शन क्या क्या है, मेटल फ्लो इज टू स्लो टू कोल्ड और हैज ए पुअर फ्लो पैटर्न। अभी बिल्कुल हम लोग जो अभी पहले यहाँ पे सुना है वही फ्लो पोरोसिटी आएगी जब आपकी हाई स्पीड कम होगी प्लंजर की, फिलिंग टाइम ज्यादा होगा तब आएगी, फिलिंग टाइम जो इतना होना चाहिए था इससे ज्यादा होगा 0.06-0.07 सेकेंड ज्यादा होगा तब आएगी उसके अंदर में। और क्या बोल रहा है, द बिगेस्ट फैक्टर बाय द फेयर इज द फील्ड टाइम, उन्होंने बताया फील्ड टाइम, फील्ड टाइम अगर ज्यादा होगा तो ये बोल रहा है रिड्यूस फील्ड टाइम एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। और मेटल टेम्परेचर एट द गेट इज इंपॉर्टेंट, इन एल्यूमिनियम वॉच फॉर हीट लॉस इन लैडर एंड शॉर्ट फ्लेम एंड मोर सुपर हीटेड। अगर आपका यहाँ पे गेट पे हीट कम जनरेट हो रही है और यहाँ पे मेटल ठंडा हो रहा है तो फ्लो पोरोसिटी आने के चांस बहुत ज्यादा है गेट पे, यहाँ से कैविटी फिल होनी है, ठीक है ना।